Hello and welcome to my channel SK Helping Hand Tutorials. Friends, आज हम ग्रामर स्पार्क बाय इंडियाना का लर्निंग क्लास 3 ग्रामर की बुक जो है इंग्लिश की उसकी हम एक्सरसाइज करेंगे ऑन पेज नंबर 16. कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड यह एक्सरसाइज है. तो एक तरफ आपको कलेक्टिव नाउन्स दिए गए हैं और एक तरफ पिक्चर्स हैं एंड यू हैव टू मैच देम. मैच द पिक्चर्स टू द कलेक्टिव नाउन्स. पहला जो कलेक्टिव नाउन है वो है बंच. सेकंड इज हाइव. थर्ड इज फ्लीट. फोर्थ इज फ्लॉक. फिफ्थ पे है हर्ड. सिक्स पे है बुके. और पिक्चर्स देखते हैं, हमें पिक्चर्स कौन कौन सी दी है. सामने बर्ड्स का ग्रुप है, फ्लावर्स का ग्रुप है, ग्रेप्स का ग्रुप है, बीज का ग्रुप है, बोट्स हैं, यहाँ पे शिप्स हैं और काउज हैं. तो चलिए अब हम एक्सरसाइज करेंगे कि किसको हमें किस आंसर से मैच करना है. तो बंच बंच जो है आपका जाएगा ग्रेप्स के साथ, बंच ऑफ ग्रेप्स. नेक्स्ट इज हाइव. तो हाइव को आपको लेना होगा बीज के साथ में. हाइव जो है वो मधुमक्खी के छत्ते के लिए भी काम में लिया जाता है. तो हाइव जो है आपको लेना होगा मधुमक्खी का छत्ता बी, बीज के साथ में. तो डी इसका आंसर है. नेक्स्ट थर्ड इज फ्लीट. तो फ्लीट जो है शिप या बोट्स के जो ग्रुप होता है उसे कहा जाता है. तो इसके साथ में, फ्लीट के साथ में आपका जो आंसर जाएगा दैट इज़ ई. आपको ई के साथ इसको मैच करना है. नेक्स्ट इज फ्लॉक. फ्लॉक ऑफ बर्ड्स. फ्लॉक जो है वो आपको बर्ड्स के साथ में यूज़ करना है. तो इसका जो आंसर जाएगा वो आपका ऊपर ए में चला जाएगा. तो आप इसको मैच कीजिए ए के साथ में, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स. यहाँ पे आपको मैच करना है फ्लॉक ऑफ बर्ड्स को ए के साथ में. नेक्स्ट इज हर्ड. हर्ड को आपको मैच करना होगा काउस के साथ में. एंड बुके. बुके इज अ बंच ऑफ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स. तो ऊपर आप जो बी पे फ्लावर्स का ग्रुप बना हुआ है वहाँ पर आप इसको मैच कर दीजिएगा. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बुके को आपको इसको मैच करना है. सो अगेन यू कैन सी बंच ऑफ ग्रेप्स, hive of bees, fleet of sheep, flock of birds, herd of cows and bouquet of flowers. So I hope this video has been helpful to you and you have enjoyed doing it and found it simple. So if yes, and you haven't yet subscribed, do subscribe. Thank you.